Let me prepare for next. Then we will do about GST, right? Purchases book. Why do we prepare purchases book? In order to record credit purchases, because cash purchases we learned that are to be recorded in cash book, and at the time we have skipped so many credit transactions. So now the time has come when we will be recording our credit sales in a separate book, our credit purchases in a separate book, and hereby I will be calling that book which is being maintained to record the credit purchases, that is named as purchases book. Let's see. जैसे सेल्स बुक में मैंने आपको बताया था दैट विल बी कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ डेटर्स, सो दिस बुक विल बी कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ क्रेडिटर्स. हम बंदों के नाम लिखेंगे, उनका थोड़ा सा एड्रेस भी लिखेंगे और अमाउंट लिखेंगे, कितना पैसा हम लोगों ने उन्हें देना है क्योंकि हम उधार पे उनसे सामान खरीद चुके हैं. इज इट क्लियर? सो लेट सी द फॉर्मेट. नो नीड टू क्रैम. लॉजिक वाइज कॉलम्स के नाम है. फर्स्ट कॉलम इज ऑफ डेट, सेकेंड कॉलम इज ऑफ पर्टिकुलर्स, फिर छोटा सा कॉलम क्योंकि इसका लेजर भी अलग से बनता है. पर हु विल टेल मी लाइक इफ आई विल बी ट्रांसफरिंग दिस टोटल ऑफ परचेसेस बुक टू द लेजर परचेसेस अकाउंट, विल दैट परचेसेस अकाउंट बी रिकॉर्डिंग कैश परचेसेस एंड क्रेडिट परचेसेस बोथ और ओनली क्रेडिट परचेसेस? बोथ परचेसेस मींस कैश. कैश बुक वाली एंट्री कहां पे जाएगी? ये चलो पहले वही देखो, ये परचेसेस अकाउंट बना. कैश परचेसेस की क्या एंट्री होती है? परचेसेस टू कैश. क्रेडिट की क्या होती है? परचेसेस टू क्रेडिट, क्रेडिटर्स. तो दोनों डेबिट साइड में आने भाई, ठीक है ना? सो दिस ग्रैंड टोटल विल बी गोइंग टू परचेसेस अकाउंट. सो दैट्स व्हाई अ नैरो कॉलम वी प्रिपेयर लेजर फोलियो. लेजर फोलियो मींस लेजर के कौन से पेज नंबर के ऊपर इन क्रेडिटर्स का रिकॉर्ड है. एम आई राइट? उसके कहां नहीं आते क्रेडिटर्स? मैं कैश बुक की थोड़ी ना बात कर रही हूं, मैं तो परचेसेस अकाउंट की बात कर रही हूं. परचेसेस अकाउंट, ये परचेसेस अकाउंट बनाया मैंने, लेजर अकाउंट बनाया. कैशबुक में नहीं आते, यू आर राइट, कैशबुक में नहीं आते, तभी तो उसकी सेपरेट बुक बनी, सब्सिडरी बुक, ठीक है. क्रेडिट परचेसेस वहां पे नहीं आई थी इसलिए अलग से उसकी एक बुक बनाई. अगला कॉलम बोलो, सेल्स बुक में क्या था? आउटवर्ड इनवॉइस, यहाँ पे होगा इनवर्ड इनवॉइस, बिल का नाम नंबर. ये बिल मेरे पास आया सो आई विल बी कॉलिंग इट इनवर्ड इनवॉइस. नंबर जो होगा वो लिख दूंगी. क्या ये नंबर सीक्वेंस में चलेंगे? बिल के नंबर सीक्वेंस में चलेंगे? नो, इट इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट अनडाउटेडली, लेकिन ये सीक्वेंस में नहीं चल सकता. एक बंदा महाराष्ट्र का है, दूसरा पंजाब का है, तीसरा हरियाणा का है, तो डेफिनेटली देयर सीक्वेंस विल नॉट बी सेम. वाउचर्स के सीक्वेंस सेम होते हैं, ये तो सोर्स डॉक्यूमेंट है, इसका सीक्वेंस कैसे सेम होगा? ठीक है, सो दैट चैप्टर आई एम डिस्कसिंग हियर प्रैक्टिकली. इनवर्ड इनवॉइस नंबर, उसके बाद अगला डिटेल जिसमें सारे प्लस और माइनस होंगे. टीडी क्या होगा? टीडी माइनस होगा. जीएसटी क्या होगा? फ्रेट क्या होगा? पैकिंग क्या होगा? फ्रेट जीएसटी से पहले होगा कि बाद में होगा? टीडी के बाद हो, ठीक है. डिस्काउंट माइनस करने के बाद फ्रेट ऐड होगा, राइट? और फिर क्या होगा? जीएसटी की कैलकुलेशन होगी. एनी डाउट टू एनीवन? देन हियर वी विल बी राइटिंग अमाउंट. This is a simple format without GST in raw. ठीक है? Who will tell me this purchases book will be recording the purchase of assets also? Credit purchase of assets? No. Purchases book is meant to record the credit purchases of goods only, which you are buying for resale purpose. अगर आपने अपना कोई पुराना asset बेचा है तो उसकी recording इस book में नहीं है. बेचा है कि खरीदा है? खरीदा है. अगर आपने कोई नया एसेट खरीदा है लेकिन उधार पे ही खरीदा है तो दैट आई विल नॉट बी रिकॉर्डिंग हियर. दैट आई विल बी रिकॉर्डिंग इन विच लेजर? इन फिक्स्ड एसेट अकाउंट, ठीक है. और उसके क्रेडिटर्स का अलग से रिकॉर्ड बनेगा, उसके लिए कोई अलग से सब्सिडरी बुक नहीं है. सब्सिडरी बुक्स पता क्यों बनाई नहीं शुरू करी? बिकॉज दीज आर रिपीटिव ट्रांजेक्शंस. बहुत बार हमारे बिजनेस में उधार पे परचेजेस होती हैं, बहुत बार हमारे बिजनेस में उधार पे सेल्स होती हैं. सो इन ऑर्डर टू कीप अ सेपरेट रिकॉर्ड बिकॉज ह्यूज आइटम्स आर देयर एंड समटाइम्स द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस आर सच अ लार्ज इन क्वांटिटी दैट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज देम और वी कांट स्टोर इन आवर ह्यूमन मेमोरी.
सो कहीं मेरे माइंड से कोई आइटम स्किप ना हो जाए, इसलिए मैं अलग से परचेसेस बुक क्या करती हूँ, मेंटेन करती हूँ, राइट डन। तो क्या करते जाएंगे, यहाँ पे क्रेडिटर का नाम लिखते जाएंगे, जो जो आइटम्स हम लोगों ने उससे खरीदी है, जो भी पर यूनिट रेट होगा उससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, लेट्स सी वन इलस्ट्रेशन। तो आपको क्लियर होगा, पहले फ्रेट लगता है कि पहले जीएसटी लगता है, लेट्स वेरीफाई फ्रॉम द बुक, लेट्स सी, दिस इज एट्थ चैप्टर वी आर डूइंग। देखो फ्रेट वाला केस देखो, पहले टीडी तो पहले माइनस होता है, दैट इज तो श्योर। हाँ पेज नंबर 8.11 पे आ जाओ, पहले फ्रेट ऐड होता है समृद्धि, पेज नंबर 8.11 डन। कहने को फ्रेट ऐड होने से जीएसटी बढ़ जाएगा, फिर हमें क्या, जब हमारे कस्टमर ने खुद हमें कह दिया या हमने अपने सप्लायर को कह दिया कि रास्ते का किराया तो खुद पे करना, तो बिल में ऐड करके भेजेगा ना, फिर जीएसटी लगेगा, ठीक है। तो पहले टीडी माइनस होगा, फिर फ्रेट ऐड होगा और फिर जीएसटी ऐड होगा। फ्रेट लगने से बिल की अमाउंट बढ़ गई और उस बढ़ी हुई अमाउंट के ऊपर जीएसटी होगा। उसने भी तो यही करा, जब बिल बनता है तो फ्रेट की मनी ऐड होती है। तो आपको फ्रेट का, यहाँ पे फ्रेट का लॉजिक पता है, हु इज पेइंग फ्रेट, सप्लायर इज पेइंग फ्रेट ऑन आर बिहाफ, ऑन ऑन कस्टमर्स बिहाफ। हाँ तो फिर क्या क्लैरिटी क्या नहीं है, हाँ फ्रेट पे जीएसटी लग रहा है, बस ये है, फ्रेट पे भी जीएसटी लग रहा है। मैंने ये बोला प्रैक्टिकली इट सीम्स टू बी लाइक अनबेयरेबल, यह हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ऐसे क्यों है, पर फ्रेट के ऊपर जीएसटी लगना है ना, तो ठीक है फिर फ्रेट अब वन पेमेंट यू आर मेकिंग, तो उसपे के ऊपर भी इनपुट जीएसटी लग रहा है, बिल में ऐड होके बस, ठीक है। सीक्वेंस याद रखना आपने, उसके ऊपर भी फ्रेट पे इनपुट लगना चाहिए ना, फ्रेट पे इनपुट जीएसटी लगना चाहिए, तो वही लग रहा है बस, ठीक है ठीक है। गुड्स की सेल प्राइस के ऊपर भी जीएसटी लगा और फ्रेट अगर जितना है उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा, बस ये सीक्वेंस आपने याद करना है। Had it been packing, तो पैकिंग भी पहले क्या होती है, एड फिर जीएसटी की क्या होती है, कैलकुलेशन होती। चलूं आगे, चलो जी देखो जरा यही वाला, नहीं जीएसटी के बिना वाला पहले मेरे को करवाना है। सेकेंड इलस्ट्रेशन देखिए, मैंने करवाया तो नहीं ना ये सेकेंड, करवा दिए सेकेंड, शुरू करवाया था, चलो कंप्लीट करते हैं। राम एंड कंपनी देहरादून, डेट लिखो 5th June, राम एंड कंपनी देहरादून, पूरा नाम लिख लेना, मैंने शॉर्टकट में ही करवाना है भाई। 20 क्विंटल्स आप पूरा लिखोगे एट द रेट ऑफ 1200 पर क्विंटल, 24,000 की शुगर हो गई, वहां से आइटम कॉपी तो करनी है, 24,000। 40 बैग्स राइस, हर बैग में 1 क्विंटल है और रेट कितना है 1500 पर क्विंटल, 60,000, ये हो गया, करवाया था शायद ये मैंने, 84,000 टोटल। टीडी माइनस करो, फ्रेट है नहीं इसमें, 15% टीडी माइनस करो, लेस टीडी 12,600, 71,400 डन। अगले बंदे का नाम देखो क्या है, रीड द नेम ऑफ नेक्स्ट पर्सन, भारत भूषण एंड सन्स दिल्ली, लिखो उसका नाम भरत भूषण एंड सन्स, क्या खरीदा उससे, 20 टिन्स घी, ईच कंटेनिंग 16 kg, कैसे मल्टीप्लाई करें बताना जरा, 20 टिन्स देसी घी और हर टिन में 16 किलो है, 20 × 16 × 120 करेंगे, पहले केजी में कन्वर्ट करेंगे ना, ठीक है 20 टिन्स है और 16 से मल्टीप्लाई किया तो 320 kg तो मटेरियल बन गया, 320 को हम लोगों ने 120 से मल्टीप्लाई करना है, मींस तीनों आइटम्स को मल्टीप्लाई करोगे तब अमाउंट आनी है। सो हियर योर कैलकुलेशन शुड बी एक्यूरेट, माइंड इट। एक क्वेश्चन आता है, वन ग्रॉस, ग्रॉस और रेट नीचे डजन्स का दिया होता है, एक डजन में 12 पीसेस हैं, ग्रॉस में 12 डजन्स है। आई एम रिपीटिंग, in one dozen there are 12 pieces, so in one gross 12 dozens are there, so how many pieces are there, 144, ठीक है। मान लो वो पेंस कहता है,
मैंने इतने ग्रॉस खरीदे, ग्रॉस का मतलब क्या है 12 dozen, और रेट वो नीचे पर डजन का देता है, तो यू नीड टू कन्वर्ट इनटू डजन, सॉरी पीसेस, नीचे रेट वो पीसेस का देता है, पहले आप पीसेस में कन्वर्ट करोगे फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका बैक एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन होगा, दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, उसने हिंट में लिखा भी हुआ है, 1 gross इज इक्वल टू हाउ मेनी पीसेस, 144, क्योंकि एक ग्रॉस में 12 dozen होती है। मान लो वो डजन का रेट दे तो फिर पीसेस में भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, फिर 12 dozen हो गई ना, 12 dozen, हर डजन का रेट कितना है 60, तो 12 into 60 कर देंगे फिर, क्योंकि 1 gross इज इक्वल टू 12 dozen, अगर वो पीस वाइज रेट देता है तो आप इसे पीस में कन्वर्ट कर लेना, मान लो पीस का कितना रेट है ₹10 पर पीस है, तो आप कितने पीसेस इसको बना लोगे, 144 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1440 आपका अमाउंट आ जाएगा। सो देयर बाय यू नीड टू बी केयरफुल एनाफ कि मेरे को यूनिट कौन से दे रखे हैं और रेट किस यूनिट में दे रखे, ठीक है। तो यहाँ पे देसी घी का तीनों को मल्टीप्लाई करके अमाउंट देखो, वेरीफाई करो, जितना उसने लिखा उतना ही आता है। 320 को 12 से 0, 24, 2, 36 और 3, 38, 107 में 38,400 डन, देखो इतना ही है। आगे बढ़ो, 1000 लीटर केरोसिन ऑयल, और केरोसिन का ₹6 पर लीटर आजकल कोई चीज नहीं आती, बहुत पुराना क्वेश्चन बना 20-25 साल पहले का, सो ही इज राइटिंग लाइक दैट वे, ठीक है। तो 6000 का केरोसिन लीटर हो जाएगा, का रेट हो जाएगा, आप उसको क्या करोगे, दोनों को एड कर लोगे, और आपका टीडी आपने क्या करना है, माइनस कॉपी फ्रॉम द बुक, पहले क्या हुआ देसी घी 38,400, केरोसिन ऑयल 6000 का 44,400, 10% टीडी 4400, माइनस करके जो अमाउंट आएगी यू विल राइट इन द अमाउंट फॉल, डन। आगे पढ़ो, 14 जून, बोलो जी, वीट 30 quintal into 5000 15000, 20 quintal into 1200 24000, 10 quintal into 1400 14000, तीनों को ऐड करके 53000 लिख देंगे, टीडी है नहीं। पहली तीन ट्रांजेक्शंस उसने परचेसेस बुक में लिखी हैं, अगली दोनों स्किप कर दी हैं। गुरकिरत विल टेल व्हाई सेकंड लास्ट ट्रांजेक्शन इज स्किप्ड। परचेस फ्रॉम राजा ब्रदर्स लुधियाना, बिल्कुल ठीक है, बिकॉज इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन, नीचे आपने एग्जामिनर को बता के आना है June 20th इज नॉट टू बी एंटर्ड इन द परचेसेस बुक बिकॉज इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन। अगला, That is a purchase of furniture. Furniture is our asset. Purchases book always record the purchase of goods, not the purchase of assets. Right? So second last and last transaction we are skipping. You are sitting without book. इस चैप्टर में ledger account अलग से नहीं आने, ledger account नहीं आने, purchases book के साथ आगे वो elaborate नहीं करेगा, मैं कभी भी नहीं पूछूंगी कि साथ में ledger भी बनाओ। It is only the subsidiary books preparation. So directly come to the GST. मैं फोर्थ इलस्ट्रेशन करवाऊंगी, थर्ड आप खुद देखना, कम एट फोर्थ इलस्ट्रेशन, फ्रेट वगैरह भी है उसमें, और थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा जब जीएसटी का क्वेश्चन आएगा। कितनी तरह के जीएसटी होते हैं, परचेसेस के केस में इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी एंड इनपुट आईजीएसटी, ठीक है। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, उसकी टोटल अमाउंट निकालेंगे, और एक कॉलम होगा कॉस्ट का, सेल्स प्राइस, सेल्स बुक में एक कॉलम काय का था, सेलिंग प्राइस का था, यहाँ पे किसका होगा, कॉस्ट का होगा, ठीक है, बिकॉज व्हेन यू बाय यू पे द प्राइस एंड दैट इज अ कॉस्ट फॉर यू, राइट। तो यहाँ पे उस कॉलम को बोलेंगे कॉस्ट। लेट्स सी अ क्वेश्चन विद जीएसटी, परचेसेस बुक विद जीएसटी, फर्स्टली फ्रेम द कॉलम्स, दो तीन पॉइंट मैं करवा दूंगी, रेस्ट यू कैन एलैबोरेट, एंड यू नो व्हेन यू एंड अप एनी सब्सिडियरी बुक यू हैव टू गेट द ग्रैंड टोटल, ठीक है, उसके आगे वर्ड लिख देना पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में, ग्रैंड टोटल वेरी इजी, इट इज ऑल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड यू कैन से एडिशन, पूरा चैप्टर इसके ऊपर बेस्ड है, सिर्फ थोड़ी सी नॉलेज से यू विल बी एबल टू गेट द फुल मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। अब जो भी क्लास टेस्ट होंगे, जो भी आपके डिसम्बर वाले टेस्ट होंगे, उसमें सब्जेक्टिव भी आना है, ऑब्जेक्टिव भी आना है, क्या डिमार्केशन होगी दैट आई विल टेल यू, क्या होना है? इसी चैप्टर से, उस दिन भी बोला पीटीएम पे भी, सब्सिडियरी बुक से परचेसेस बुक विद जीएसटी, फोर्थ इलस्ट्रेशन एवरीबॉडी विल सी, बनाओ कॉलम्स के नाम, डेट, पर्टिकुलर्स, छोटा सा लेजर फोलियो, डिटेल, डिटेल और अमाउंट तक एज इट इज है,
अमाउंट को सिर्फ इसमें अमाउंट ना कह के हम कॉस्ट कहेंगे, ठीक है। व्हेन वी बाय द थिंग्स वी पे अ प्राइस एंड वी कॉल इट कॉस्ट। डेट पर्टिकुलर्स लेचर फॉलियो बोलो आगे डिटेल। अगले कॉलम को अमाउंट नहीं कहना, उसे कॉस्ट कहना। अब कॉस्ट को कैसे स्प्लिट करना है हमने एग्जामिनर को बता के आना है, और हम लोगों ने अपनी कन्वीनियंस के लिए भी जीएसटी अलग कर देना है ताकि हमें पता चल जाए कितना जीएसटी हमारा एडजस्ट होगा इनपुट वाला आउटपुट के अगेंस्ट। सो दैट्स व्हाई इन आवर सब्सिडियरी बुक्स वी ऑलवेज प्रिपेयर द सेपरेट कॉलम फॉर जीएसटी, ठीक है। यहीं से आइटम्स उठानी है क्योंकि कॉस्ट में जीएसटी ऑलरेडी लिखा होगा आपने, यहीं से जीएसटी की अमाउंट कैलकुलेटेड होगी, आपने यहां से उठा के उसको अलग अलग कॉलम में लिख देना, ठीक है। बोलो जी, क्योंकि परचेज बुक है तो इनपुट सीजीएसटी होगा, अगर विद इन स्टेट होगा साथ में एसजीएसटी भी होगा। आगे बोलो, इनपुट आईजीएसटी भी होगा। आगे बोलो, टोटल नेक्स्ट टोटल है ना। चलो जी, अगला ऐसे ही रख देते ओपन कॉल। टोटल पढ़ना शुरू करो, पहला मैं सिर्फ कैलकुलेशन करूंगी। 10 मोबाइल फोन्स, कंपनी का नाम लिखा है वन प्लस, हर मोबाइल फोन 32,000 का है। तान्या शर्मा, यहाँ पे हेडिंग लिखना है क्रेडिटर का नाम तान्या शर्मा ऑफ जयपुर, ठीक है। अब फोन को मल्टीप्लाई करो, 10,000 मोबाइल फोन्स हैं, बोलो हर मोबाइल फोन कितने का है, 32,000 का, 320,000 हो गया। वन प्लस के तान्या शर्मा से ये खरीदे हम लोगों ने। आगे क्या है, लेस टीडी 10% कर दी 32,000 माइनस, आप लिखते जाओगे यहाँ पे 20 माइनस कर दी तो 300,000 होता, 12 और माइनस किया 288, चेक करो टोटल। फ्रेट कितना है, यस, अब फ्रेट ऐड करना है 2000, बन गया 290, विद इन द स्टेट है, हाँ राजस्थान के हो खुद, ऊपर पहले वाली लाइन पढ़ो, यू आर बिलोंगिंग टू राजस्थान एंड यू आर बाइंग फ्रॉम तान्या शर्मा ऑफ जयपुर, सो जयपुर इज अ पिंक सिटी ऑफ राजस्थान ओनली। और आपको स्टेट और सिटी लर्न करने की जरूरत नहीं है। व्हेन ही टॉक्स अबाउट सीजीएसटी एंड एससीएसटी इट मींस कि विद इन द स्टेट है। व्हेन ही हिमसेल्फ टॉक्स इन द क्वेश्चन अबाउट आईजीएसटी इट मींस कि आउट ऑफ द स्टेट, ठीक है, वो खुद डिफरेंशिएट करके आपको देगा, ठीक है। चलो जी करवाओ, सीजीएसटी कहां लिखी है इसकी अमाउंट, सीजीएसटी कितना है, कुछ मिसिंग है ना, तो ये सैमसंग फोन कहां से आ गया फिर, ये एक लाइन बीच में मिसिंग नहीं है, ये जो सैमसंग E6 एट द रेट ऑफ 40,000, ये क्या है, ये तो कहीं लिखा ही नहीं इसने, सैमसंग वाला कहीं ना लिखा, ये काट दो बीच में से लाइन, ऐसे ही मिसप्रिंट हुई है, ये कहीं नहीं ना डाली, और नीचे इसके बारे में नोट भी नहीं लिखा, उसने सिर्फ 10 मोबाइल वन प्लस के डाले हैं और आगे सैमसंग का कहीं पे डाला है E6, तो ये लाइन स्टेटमेंट में नहीं होनी चाहिए थी, लीव इट। ट्रेड डिस्काउंट इसका 10%, आईजीएसटी भी काट दो हम लोग, क्योंकि विद इन स्टेट है 14+14 करेंगे। पता क्या इससे गलती हुई, सीजीएसटी ऊपर टाइप हो गया और एससीएसटी नीचे टाइप हुआ, ठीक है ना, तो 14+14 कर दो, 40,600 सीजीएसटी, 40,600 एससीएसटी, ऐड करो 290 में 80 ऐड किया तो 371,200 डन टोटल। अब देखना मैं बाइफरकेट कैसे करूंगी, करवाओ जी। कॉस्ट कितनी लिखूं, व्हाट शुड बी द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एक फ्रेट का कॉलम भी बनाना था बेटे, फ्रेट भी अलग से लिखना था, तो मैं यहाँ पे टोटल फ्रेट, जरूरी नहीं कि पहले बनाओ, लास्ट में भी बना सकते हैं, सो आई विल बी राइटिंग फ्रेट एट द लास्ट। कोई भी एडिशन में एक्सपेंडिचर है, पैकिंग है, चाहे फ्रेट है, आपने उसका कॉलम भी अलग बनाना है, फिर टोटल कर। सो टीडी के बाद जो अमाउंट आती है दैट इज कॉस्ट, ठीक है, फ्रेट मैंने अलग लिखना है, जीएसटी मैंने अलग लिखना है, सो 288 इज कॉस्ट, जितना इनपुट सीजीएसटी है 40,600 उतना ही एससीएसटी है, आईजीएसटी पार्ट में है नहीं, फ्रेट कितना है 2000,
अब वो क्या करता है, इन चारों कॉलम को ऐड करता है। ऐड भी देखने की जरूरत नहीं है, जो आपने इस डिटेल के कॉलम में टोटल किया वही तो टोटल वहां पे आना है। सिर्फ कान इधर दाएं से ना पकड़ के बाएं से पकड़ लिया, अदरवाइज इट इज नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, सिर्फ इस कॉलम को चार हिस्सों में बांटा है। पीडी के बाद जो अमाउंट आती है, डिस्काउंट के बाद जो आती है, वो एक्चुअली आपके लिए कॉस्ट है, बाकी तो आपने जीएसटी वगैरह एडजस्ट ही कर लेना। गेटिंग इट? अब अगला पढ़ो, परचेस इन कैश। अब मैं बताऊं क्या हुआ, इससे मिसप्रिंट क्या हुआ, परचेस इन कैश 20 मोबाइल सैमसंग वाले, वो लाइन इधर आनी चाहिए थी। समझ लगी आपको बात, जो सैमसंग E6 लिखा है ना, वो लाइन इधर आनी चाहिए थी। गेटिंग इट? आप चाहो तो एरो बना के लिख लो। तो ये आना ही नहीं है, बिकॉज दिस टाइम यू आर बाइंग द मोबाइल्स ऑन कैश, यू विल बी स्किपिंग इट। 12th January पे आओ, सोफा सेट फर्नीचर खरीदा है, ये भी नहीं आएगा, बिकॉज परचेस बुक में वी ऑलवेज रिकॉर्ड परचेसेस ऑफ गुड्स, एम आई राइट? आगे पढ़ो, 20 मोबाइल फोन्स, हर मोबाइल फोन 40 का है, फ्रॉम सपना चौधरी ऑफ अजमेर, देन शी इज बिलोंगिंग फ्रॉम राजस्थान ओनली। ये कैलकुलेशन आप फिर से खुद कर लोगे, 20 × 40 दैट इज 8 लाख, टीडी कितना है 20%, 8 लाख में से 160 माइनस किया, कॉस्ट आ गई, फिर फ्रेट 5000 ऐड करो और दोनों जीएसटी ऐड कर दो, बात खत्म। अगेन वेरी इजी, दिस ऑल्सो यू कैन डू योर सेल्फ, प्लस माइनस है, मैंने नहीं करवाना इतना। आगे चलो, अगला आएगा योगिता बाली, हमारी कैपिटल सिटी है, यहाँ पे CGST और SGST नहीं होगा, यस IGST होगा, और कितने परसेंट, 28%, 75,000 × 12 9 लाख, 10% TD 90,000, 810 बन गया, 810 के ऊपर सीधा 28% IGST हो, बस फिर उन कॉलम्स को क्या कर दो, स्प्लिट कर दो, एंड यू विल बी गेटिंग द सेम टोटल। जो इस कॉलम का टोटल होगा वही टोटल वाले कॉलम का टोटल होना चाहिए, है ना, यही होना चाहिए ना, इस कॉलम का जितना टोटल है उतना ही टोटल वाले कॉलम का टोटल होना चाहिए, फिर आपकी कैलकुलेशन सारी ठीक है। एनी डाउट? कोई भी डिमार्केशन ना पता चली हो, डू यू वॉन्ट टू आस्क एनी थिंग आउट ऑफ इट, कम एट द बैक एक्सरसाइज। एक क्वेश्चन करते हैं परचेसेस बुक का, चलो जलंधर वाला करते हैं, ये थर्ड बैक एक्सरसाइज, थर्ड करना शुरू करो एवरीवन, थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम द बैक एक्सरसाइज एवरीबॉडी विल सॉल्व। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डिटेल, कॉस्ट, फ्रेट का पहले बना लो चाहे लास्ट में बना लो, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST एंड देन टोटल, नेम देम। यस, डिटेल, कॉस्ट, इनपुट, पहले फ्रेट। CGST, SGST, IGST and total. चलिए जी, let's read. So the person is belonging to Punjab and he asked us, respective ledger वाला नहीं आएगा, simple subsidiary book बनानी है. Purchased on credit, ऊपर लिखो महाराज स्पोर्ट्स जलंधर पंजाब, 20 wills कंपनी का नाम है, क्रिकेट बॉल्स एट द रेट ऑफ 120 each. 6000 है डिटेल में, 6000 मैंने मल्टीप्लाई करके लिखना बस। आगे चलो, वर्डिंग सारी आपने खुद लिखनी है, क्लास में चाहे वो भी नहीं लिखो। 65 को 130 2600 टीडी कितना, 25% मीन्स 1/4, 43 हाफ होता कितना, हाँ 2150, ठीक है 143 बनना, 0546, ठीक है जी,
सीजीएसटी ऐड करिए, सीधा 5% कैलकुलेट कर लो, डेसिमल में नहीं, फिर हाफ ऑफ कर लो, ठीक है? कितना आता है 5%? 325, उसका हाफ किया, ओके, डेसिमल्स में है 1.6, 1.6, 5, 1, अगर राउंड ऑफ करना है तो राउंड ऑफ करो, ठीक है, राउंड ऑफ कर लो, चाहे 1.6, ठीक है, दोनों ऐड कर दो, डन। कॉस्ट में कितना लिखोगे, कॉस्ट में कितना लिखोगे, 8600, डिस्काउंट माइनस करके सिखाया अभी, फ्रेट है नहीं, डन, फ्रेट नहीं है, सीजीएसटी 161, अगर पॉइंट लिखना है तो लिख लो साथ में, ठीक है, टोटल कर लो, 2, 12 और 5, 17, 1 कैरी, 6 और 1, 7, 6772, सो लाइक दैट वे यू कैन प्रोसीड। क्यों, एक ही कैरी हुआ है, 12 और 5, 17 ही हुआ है, 1 कैरी हुआ। चलो अगला देखो, कोई आइटम स्किप होने वाली है? नहीं, सारे ही क्रेडिट पे है। 20 basket balls at the rate of 90 each, 1800, 26 into 80 आप खुद मल्टीप्लाई करोगे, 75 into 12 आप खुद मल्टीप्लाई करोगे, जितना ग्रैंड टोटल आएगा कर लोगे ना, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, कंटिन्यू करो, करो इसे कंप्लीट, एवरीवन।